Kalau punya. Ye nazre na hoti inka darana hota ye nazre na hoti yahan padare sabhi sammaniya shikshak gan prachar mandir yo khub prachar mandir aap sabhi ko shubh sandhya yahan chai samarah mein aapka sada sammanan ev swagat hai desh ka naya kal swarne ko aaju apni soch apne vyaktitva ko nikharne ko aaju hum bachchon ke liye aap sab ka sahi आपका साथ और आपका साथ और गुरु का सर पर हाथ रहेगा तो चाहे पूरी आए या पूरे सबसे दो दो हाथ करते हमारे गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप जब दो दिन यहाँ की खेल पे आए नीलगिरी हाउस से सनी भी आप नीलगिरी हाउस से पूर्व कप्तान महाराज नीलगिरी के सन्नी भैया को स्टेज पे बुलाते हैं। अब शिवालिक की बारी है। शिवालिक के पूर्व कप्तान क्लास 12 के पूर्व कप्तान रोहित भैया को स्टेज पे बुलाते हैं। रोहित भैया स्टेज पे आइए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब उदयगिरी की बारी आ चुकी है। उदयगिरी से क्लास 12 संजय भैया को पूर्व सदन का काम उदयगिरी के स्टेज पे आया। विद्यालय में जब भी कोई बच्चा पढ़ने आता है हमारे नौवे विद्यालय में एक छोटा सा बच्चा आता है भोला सा बच्चा आता है यहाँ अपने शिक्षकों से विद्यालय से अपने छोटे भाई और साथियों से बहुत कुछ सीखता है और धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
मुझे नहीं पता कि मैं किस हिसाब से आप लोग को टावर दिखाता था, हंसाता था, मजाक करता था, और कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती थी या बुरी लगती थी, ये तो नहीं पता। लेकिन आज ये वर्ड सुन के मुझे अपना बात का हमें बहुत दुख है। और आज इस नाली साहब के लिए हम
मानक देव जिसका नाम आप सबने सुना होगा, एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, वहां उनका स्वागत सत्कार था जो बहुत खाने में खोआ मछली की लड़ी
बिछड़ कर इनसे आंसू तो निकलेंगे, लौ देखे फूल हैं जमुन तो खिलेंगे। दुखी करके दोस्तों का दिल जीता जाता है, जन्मदिन की बधाई में सबसे पहले पीटा जाता है कि आगे तो झगड़ा होता है, कुछ नाम इस तरह है, कुछ खुद के नाम से चिढ़ते हैं, बदनाम इस तरह है। मौज मस्ती और बीच में पढ़ाई पर चर्चे भी होते हैं, पीछे घाटी की दुकान पर काफी खर्चे भी होते हैं, कभी चोटों पर दोस्तों की मरहम भी लगाया करते हैं, कभी उंगली कट जाए तो हाथों से खिलाया करते हैं। जो पाया नहीं साथ ऐसे दोस्तों का खाली हाथ तो मिलेंगे ही, नौ जगह फूल हैं जाऊँ के तो खिलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।